हेलो फ्रेंड्स, मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल चीज़ी सैंडविच। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे वेजेस लिए हैं। वेजेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कोई भी डाल सकते हो। हमने पर्पल पत्ता गोभी ली है, थोड़ी सी ली है, टमाटर लिए हैं, शिमला मिर्च ली है ग्रीन वाली, गाजर ली है, प्याज है और थोड़ा सा हम इसमें पनीर डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी ग्रीन पत्ता गोभी डाल देंगे। वेजिस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कोई भी डाल सकते हो। तो अब हम इसमें सॉसेज डालेंगे। सबसे पहले हम मेयोनी डालेंगे, थोड़ा सा चीज़ डाल देंगे। इसके बाद हम मेयोनी डाल देंगे, सिंपल मेयोनी है जी। इसके बाद हम इसमें तंदूरी मेयोनी डालेंगे। पिज़्ज़ा सॉस डाल देंगे और चिल्ली सॉस और टमाटो सॉस डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक डाल देंगे, क्योंकि सॉसेज में भी ऑलरेडी नमक होता है, इसलिए हम थोड़ा सा ही डालेंगे। चिल्ली फ्लेक्स डाल देंगे, ऑरिगैनो डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम ब्रेड लेंगे। मैंने ब्राउन ब्रेड ली है, आप वाइट ब्रेड भी ले सकते हो। अच्छे से हम ब्रेड पे सारा ये बैटर है जो स्प्रेड कर देंगे। दोनों ब्रेड पे वेजेस हम ऐसे ही लगाएंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे आप बना के बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हो। अब हम इस पे चीज़ डाल देंगे। इसको आप एयर फ्रायर में बनाएंगे। आप इसको तवे पे भी बना सकते हो, मीडियम गैस पे। ऊपर से ढक के आप इसको तवे पे लगा के थोड़ा सा घी या मक्खन मीडियम गैस पे आप इसको ढक के भी पका सकते हो, लेकिन मैं इसको एयर फ्रायर में पकाऊंगी। बिना ग्रीस किए हम इसको बनाएंगे, बिल्कुल भी मक्खन इसमें नहीं लगाएंगे। इसके ऊपर अब हम ऑरिगैनो और चिल्ली फ्लेक्स डाल देंगे चीज़ के ऊपर। अब हम एयर फ्राई की बकेट में पीसेस को सेट कर देंगे और इसको 180 डिग्री पे 3 से 4 मिनट के लिए लगा देंगे। बीच बीच में हम चेक कर लेंगे। अब हम देखिए इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल मेल्ट हो चुका है चीज़ और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब हम इसको सर्व करते हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।